क्या आप लोग वाकई इस सीट पे बैठना चाहते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली सोच समझ के। आपको लगता है कि आपको मैं ऐसे ही जाने दूंगा यहां से? अब है आपके लिए आपकी ब्रेकिंग न्यूज। ये क्या भाई, वकार भाई बोल रहे थे अभी शो खत्म नहीं हुआ। लगता है मैं बहुत ज्यादा पसंद आ गया हूँ वकार भाई को, मुझे घर भी लेकर जाएंगे, घर भी लेकर जाएंगे। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का हमेशा एक विनर होता है। पास बेटी भी एलवी, मैंने वकार भाई को हाथ जोड़ के कहा नहीं वकार भाई, मैंने इससे नहीं लड़ना। तो देखते हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का अल्टीमेट विनर कौन बनता है, फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल कौन लेके जाता है। मेरा मुकाबला अख्तर के साथ होने लगा है। आई वाज अ बिट स्केयर्ड कि मैं अख्तर को कैसे हरा सकूंगी। इनके डेयर का पहला हिस्सा लेकर आ जाए। वकार भाई ने क्रू मेंबर को आवाज दी कि भाई इनका डेयर का पहला हिस्सा ला के रख दो। पहला हिस्सा आया, देखा तो एक चरखी थी। एक दो तीन चार पांच और एक हिस्सा बिल्कुल लाल। समझ नहीं आ रहा यार ये। After the break. एक दो तीन चार पांच और एक हिस्सा बिल्कुल लाल। समझ नहीं आ रहा यार ये क्या। इतने डेयर्स करके आए हैं तो मैंने सोचा एक ऐसा चैलेंज होना चाहिए जो इससे पहले दुनिया के किसी रियलिटी शो में ना हुआ हो, और एक ऐसा चैलेंज हो जो दोनों के लिए बराबर, और उसके साथ साथ कुदरत ये डिसाइड कर दे विनर कौन है। इनके डेयर का दूसरा हिस्सा लेकर आ जाए। पहले आप में से एक कंटेस्टेंट आएगा, उसको यूं घुमाएगा, जो नंबर आएगा वहां जाके खड़ा हो जाएगा। जो पहले 15वें नंबर तक पहुंच जाएगा खत्म गेम, कुदरत जिसको चाहेगी वो जीतेगा। इतना खतरनाक शो, सांप, हड्डियां टूट जाती है, लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, मम्मा ये वो ये, और इस शो का एंड लिड्डो पे खत्म होगा। तो मैं बैठूंगा आराम से यहाँ और गेम को शुरू करते हैं। किसका कुदरत साथ देने वाली है आज? लूडो का इतना बच्चों वाला गेम वकार भाई आपने रख दिया, क्या कपास की तुंडी एलवी को जिताने का मूड है आपका? मैंने बोला तोबा 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 अगर इसने टाइटल जीत दिया। अब पहले कौन आएगा? फिर वकार ने कहा सबसे पहले करेगा कौन, चरखी घुमाएगा कौन। जिस तरह मैं हाथ खड़ा करने लगा एलवी ने कहा आई विल डू इट, मैं करूंगी ये वकार भाई। आई एलवी, मेरी जो सारी थिंकिंग वो मेरे दोस्तों की जो थिंकिंग थी उनके वहां से क्राउड से जो आवाज आ रही थी मुझे कि अख्तर तू गया, वकार एलवी के साथ मिला हुआ है और उसे डेफिनेटली जिताना चाहता है। घुमाए लेकिन कपाल की सुंडी की किस्मत अंडा वापस आए भाई अख्तर। ओहो इतने प्यार से। एक पे जाके खड़े हो जाए, घुमाए। हम सब लड़कियां दुआएं कर रही थी, मैं और उसका दुआएं कर रही थी अलमियत का अंडा आ जाए, अलमियत का अंडा आ जाए। अंडा 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 फिर भी अंडा। मेरा नंबर आया 3 और अब मैं जाऊंगा 4 पे। 4 नंबर तक पहुंच गया आपकी बेवकूफी की वजह से। फिर अंडा फिर अंडा फिर अंडा। एक आ जाए खड़े हो जाए, घुमाए। कितने नंबर आए? 2। आप किस पे जाएंगे? 6 पे। 6 पे जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दी मैंने अभी तक? अब है आपके लिए आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज। आप 4 पे हैं, आप 1 पे हैं। ये तो बच्चों वाला सांप सीढ़ी का गेम हो रहा है, और सांप भी नहीं है इसमें। सांप का है। अब होगा ये, अगर आपको आगे जाना है, 6 नंबर पे जाओगे, 2 आया, 2 पर जाने के लिए मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। अगर वो चैलेंज कर लिया तो आप 6 पे आएंगे,
अगर वो चैलेंज नहीं किया तो वहीं के वहीं रहेंगे। ये हुई ना बात वकार भाई, सबसे ज्यादा हालत टाइट हो गई अख्तर भाई की, और उनसे भी ज्यादा हालत टाइट हो गई वो कपास की तुंडी एलवी की। इसलिए हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उसको पता था अब हल्के 150 वकार भाई देने वाले नहीं है। और अब वकार भाई ने कहा कि अब अगर घुमाया और अंडा आया तो इस चरखी को फिर आप घुमाएंगे एक दफा, और जब फिर घुमाएंगे फिर आप पीछे जाएंगे, समझ गए? सांप हो गया ये, सीढ़ी हूं मैं, और मैं हूं बड़ी खतरनाक सीढ़ी। तो आप क्या 6 नंबर पे जाना चाहते? बिल्कुल 15 तक जाना चाहता हूं। 15 तक तो जाना चाहते हैं, पहले 6 तक तो पहुंच। अब फिर जो वकार भाई ने ब्रेकिंग न्यूज सुनाई ना, मैं तो कानों को हाथ लगा रहा था कि शुक्र है अल्लाह मैं तो पहले बाहर हो गया हूँ, मेरी टांग मतलब इंजर हो गई है। 15 नंबर इनको इतने भारी पड़ेंगे, जो विकास डेनमेन ही इनके साथ हुआ वो आज इनके साथ होने वाला है। तो इनका 6 नंबर के लिए चैलेंज लेकर आ जाए। वकार भाई ने कपड़ा हटाया तो उसके बाद हमने बोला जाओ यार अख्तर तुम ही ऐसा चैलेंज कर सकते हो, हमारे अंदर ऐसा तप्पड़ नहीं, ऑडियंस के अंदर बैठना काफी है, घर पे जाके देख लूंगा, ये नहीं कर सकता। क्या चीज है? बकरे का सर। इसको खोलेंगे इस तरह से और इसको 2 मिनट में खत्म करना है, मगज खाना पूरा, और वॉमिटिंग जिस भी लम्हे हुई 14वें नंबर पे, और वॉमिटिंग हुई 1 नंबर पे। बात आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अख्तर, अब गो। कहीं भी टाइम चल रहा है, मुझसे नहीं पूछो। नंबर पे जाएंगी तो कितने नंबर ऐड हो रहे हैं आपके नंबर में? 4। 4th नंबर के लिए इनका चैलेंज लेकर आ जाए। जहां हार माननी हो हार मानो, घर जाओ। ये डेर आया और वकार भाई ने स्टाइल से काला कपड़ा हटाया, लोग चीखो पुकार शाउटिंग ये वो, उसके सफेद चूहे। करना ये आपको, मेरा चैलेंज ये था कि मुझे हैमस्टर केज से निकाल के मुंह में रखना है, इसमें डालना है, और आपको ये करने के लिए टाइम 2 मिनट है। मैंने कहा घंटा करेगी एलवी, सिर्फ बैकआउट कर लेगी। बड़ी वर्कर बनती है, बहुत इंग्लिश मारती है, और डेर के पास जाकर, भाई हम डेर के पास जाते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कपाल की तुंडी चूहों के पास जाकर, मैं तो बोल रही हूँ नाक बंद करके इसकी बात सुनिएगा, ओ सॉरी कान बंद करके इसकी बात सुनिएगा, पॉटी नहीं करना बस। और आपका टाइम शुरू होता है 2 मिनट का अब। Let's go.
हुए कपाल की टुंडी के मुंह में हलचल मचा रहे थे, उधर उरुसा कपाल की टुंडी की और हट रही थी। वो तो फनी। 30 सेकंड हो गए। हार माननी है तो पीछे हट जाओ। अब मजा आ रहा है आपको फाइनल में? एक मिनट हो चुका है। I'm already shivering. एक मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। हो गया, चले शाबाश, आ जाए। चार नंबर पर आ जाए। अख्तर आप वहीं देखेंगे और नौमान पाशा आपके लिए घुमाने आएंगे। हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। चार नंबर के लिए इनका चैलेंज लेकर आ जाए। ये है आपका चार नंबर के लिए चैलेंज, यानी आप छह नंबर पे, आप डायरेक्ट 10 पे जाएंगे अगर आपने ये कर लिया। 10 नंबर पे जाने के लिए मुझे जो डेर मिला उसमें जो काला कपड़ा आता, आपको मैं कुछ चाबियां यहां रख दूंगा, आपको खोल के इसका ताला खोल ले। बंदर आया, बंदर का ताला खोलना, मैंने बोला ये तो अख्तर के लिए बच्चों वाला चैलेंज है, मतलब अख्तर के अलावा कोई भी कर लेगा, बंदर का ताला खोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। नौमान पाशा आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर चाहे तो। के 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। बंदर का डेर हम बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन बंदर ने एक ऐसी हरकत दी, पूरा क्राउड झट से लग गया जाके। ये बंदर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मामा चाबी तो मैं लगा लेता, लेकिन सबसे खतरनाक डेर तो मेरे लिए बंदर पकड़ना था। बंदर साला हाथ में आ ही नहीं रहा था। अख्तर भाई का हो गया डेर खत्म, क्योंकि अख्तर भाई से वो बंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वकार भाई ने एलवी को एक लालच दी। एलवी आपके पास मौका है कि आप अगर चाबी खोल लेंगी तो आप जिस नंबर से इन्होंने जहां तक पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगी। कहां पर पहुंच जाएंगी आप? 10। 10 नंबर पे पहुंच जाएंगी। नहीं खोल सकी तो आप वहीं रहेंगी जहां है। ट्राई कर दें, मुंह पे निशान बढ़ गया, हमेशा का निशान है। एलवी आपका 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब, गो। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सबसे बेकार कंटेस्टेंट है? कमांड एंड ऑप्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। तो एलवी बोल सकती थी कि मैं नहीं बुलाती किसी को भाई, उसकी अपनी पावर है। जैसे अरुसा बेले वकास डैन में एक दफा प्रिंसेस का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था। वकार भाई ने जैसे एलवी को ऑप्शन दी कि तुम्हें किसी को बुलाना है, तो हम सब लोगों ने नहीं बुलाना, किसी को भी नहीं बुलाना, बस तुम ही कर लो। एलवी को मैं चुपचाप कह रहा था नहीं बुलाना, नहीं बुलाना, नहीं बुलाना, लेकिन जाहिल ने बुला लिया। ओ जाहिल, कपास की सुंडी, तू बुला क्यों रही है कंटेस्टेंट में से किसी को? याद नहीं है सुहेल भाई का हशर क्या हुआ था? फर्ज करो कंटेस्टेंट में से किसी को भी बुला दिया, अगर वो हार गया तो आपका क्या फायदा है, लेकिन अगर वो जीत गया तो आपका नुकसान है। आप वहाँ और वो यहाँ, कुछ समझ आया? नहीं आया ना, वकार भाई सबको घुमा देते हैं। अरुसा आपके पास मौका है, अगर आपने चाबी खोल ली ना इसकी तो एलवी बाहर, आप यहाँ। आपके 2 मिनट का अरुसा टाइम शुरू होता है अब, गो। डायरेक्ट फाइनल में आने का मौका। रस्सी छोड़ी कर अरुसा, पकड़ लो गर्दन से, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो।
आपको लगता है अरुषा कर लेगी? बाल पीछे कर लो, बाल पीछे कर लो। 30 सेकंड हो चुके हैं। गलत पकड़ा है इसने, पेट से क्यों पकड़ा? सर से पकड़ो अरुषा। एक मिनट हो चुका है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग के अरुषा चाबी खोलेगी। एलवी, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां जाएंगी। अरुषा के जीतने के बाद एलवी बोली, what happened? मैंने कहा, what happened? क्या? What happened? जो सुहेल, वही तुम्हारे साथ हुआ, what happened? अरुषा यहाँ आएगी। चाबी जैसे खुली, वकार और एलवी, उफ, ऐसे लग रहा था बेचारे पितनी बेहोश होने वाले हैं। कोई इधर देख, कभी उधर देख रहा था, पूरा क्रू बैठ के परेशान। भाई अरुषा कहाँ से आ गई, इसका तो कोई नामो निशान भी नहीं था। सही, अब मैंने कहा अब तो आना पड़ेगा भाई, लेकर आओ। एलवी गई तो बारी किसकी है? अरुषा की बारी। अरुषा के लिए कौन घुमाने आए? अल्ताफ। अल्ताफ आए। अब आपने की है गलती। तीन नंबर का मतलब आप कहां पहुंच जाएंगी? 13 पे पहुंचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इनका चैलेंज लेकर आ जाए 3 नंबर के लिए। कोबरा के अलावा इसमें दो सांप हैं जो हम पहली दफा लेकर आ रहे हैं। दोनों को मुंह में रख लेना। जब आप रखेंगी तो 1 मिनट का टाइम शुरू होगा। अरुषा के लिए ताली होनी चाहिए। आ जाए, गो। नहीं कर सकती, हार मानो और किसी और को आने दो। कौन आना चाहता जो कंटेस्टेंट वहां बैठे हैं? कैन अरुषा, तो आपने साबित कर दिया कि सब सही कहते हैं, डेयरिंग वेयरिंग नहीं हो, किस्मत में चलती सिर्फ। अब गेम में अगर आपको रहना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो बैठे हुए बेचारे हैं सारे, किसी ऐसे को बुलाना है जो 1 मिनट तक अपने मुंह में दोनों सांप नहीं रख सकता। सोच के अगर उसने कर लिया तो आप बाहर और वो यहाँ। मैं चलाकी कर रही थी वहाँ पे हाथ खड़ा करके कि मैं ये डेयर नहीं कर सकती, अरुषा मुझे बुला रहे, लेकिन उस जाहिल ने किसका नाम ले लिया? अल्ताफ। अल्ताफ, अल्ताफ ने कर लिया, तो अल्ताफ फाइनल में और आप वहां वहां ऑडियंस में। यही फिर अल्ताफ भाई को घेरना शुरू हो गई। प्लीज अभी डर मत करें, अभी डर मत करें। एक तो वो कपास की सुंडी सबसे बड़ी जाहिल, और उससे बड़ी ये जाहिल। सिद्रा को बुला लेती, एलवी को बुला लेती। नहीं, उसने नसवार वाले को बुला लिया, जो अल्ताफ डॉट हैदर, जो कि पूरा सांप नहीं, सांप वाले को भी कहा जाए। अल्ताफ का फाइनल में आने का चांस बन गया है। एंड गो।
10. अल्ताफ कौन से नंबर पे जाएगा? जाए। अख्तर आपके लिए कौन यहां से हिलाने आए? उसे आ जाए। अल्ताफ आप भी आ जाए, क्योंकि अल्ताफ आप इतने मजे लेकर आराम से आगे आ गए, इतने आराम से तो आप भी नहीं जाएंगे। करना ये आपने, जो भी चैलेंज आएगा अगर अख्तर ने कर लिया, अख्तर आपकी जगह और अल्ताफ कहाँ होगा? अख्तर की जगह। अगर दोनों से नहीं हुआ तो दोनों अपनी अपनी जगह रहे। जी उजैर हटाएं, क्या चीज है? ऐसा डेर हम लोग का आया कि मैं पागल हो गया कि क्या डेर है। क्या चीज है? फीडर, दूध है। बचपन में पिया होगा? जो पहले ये दूध खत्म कर लेगा, कैसे खत्म करना है? चूसनियों से। सोचे इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे लोग फीडर पीते हुए कैसे लगेंगे। उफ, हद हो गई भाई। उस टाइम पे तो हंस हंस के पूरी क्राउड पागल हो गया कि ये हो क्या रहा है। आपके पास टाइम लिमिट है 4 मिनट, गो। फीडर पीना था, मैंने फीडर उठाया, चलाकी से मैंने उसमें होल कर ली। मैं सोच रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। इससे निकल नहीं रहा। हाँ जी, क्या हुआ? सुराख ही बंद है ऊपर से। अल्ताफ के बंद देखो, अल्ताफ कह रहा था फीडर का सुराख बंद है। अगर सुराख है तो बंद कैसे? सुराख ही बंद है ऊपर से। फीडर का सुराख बंद है। पी के दिखाओ इसे। आ रहा है। किधर आ रहा है? देखो टूट नहीं है। नहीं आ रहा? आ रहा है लेकिन हल्का हल्का आ रहा है। चेक करके आओ भाई, इसमें सुराख तो नहीं किया उसने। लेकिन वकार भाई जो हमारे गुरु हैं, उससे कहाँ छुप सकता है ये? ऐसी हरकतें तो उनसे छुप ही नहीं सकती। आप अख्तर, फीडर के डेर में जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ तो वकार भाई ने मुझे ऑप्शन नहीं दी, कमांड दी कि तुझे क्या लगता है कि इन कंटेस्टेंट में से कौन ऐसा है जो ये डेर नहीं कर सकेगा। फिर मैंने सोचा उजैर को बुला लेना चाहिए ना, दोस्त है यार, कर लेगा। मैं हार जाऊंगा कोई बात नहीं, वो जीते मुझे बहुत खुशी होगी। 4 मिनट का टाइम, फाइनल में आने का चांस, अख्तर की जगह आप होंगे, गो। फीडर पूरा पीना नहीं होता, सिर्फ चूसनी को चूसना होता है। उजैर साहब, उजैर भाई तो इतने स्वीट स्वीट बनते हैं, मुझे तो लगता है घर में भी इन्होंने दूध नहीं पिया होगा। इनको इनकी अम्मी फीडर में डाल के माउंटेन ड्यू देती होगी। उजैर भाई तो हार के वापस ऑडियंस में चले गए, लेकिन अब डर इस बात का था। अगर अल्ताफ के 2 नंबर आ गए, अल्ताफ को 2 नंबर चाहिए जीतने के लिए। जैसे ही व्हील घूमा मेरे दिल की धड़कन रुकना शुरू। 2 नंबर आ गया तो काम हो गया। इसका मतलब आप वहीं रहेंगे। अख्तर के लिए भी ये घुमा दे, घुमाए अख्तर के लिए। वकार और एलवी, उफ, ऐसे लग रहा था बेचारे इतनी बेहोश होने वाले हैं। कोई इधर देख, कभी उधर देख रहा था, पूरा क्रू बैठ के परेशान। भाई अरूसा कहाँ से आ गई? इसको तो कोई नामो निशान भी नहीं था। सही, अब मैंने कहा अब तो आना पड़ेगा भाई, लेकर आओ। एलवी गई तो बारी किसकी है? अरूसा की बारी। अरूसा के लिए कौन घुमाने आए? अल्ताफ। अल्ताफ आए, अब आपने की है गलती। तीन नंबर का मतलब आप कहां पहुंच जाएंगी?
13 पे पहुंचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इनका चैलेंज लेकर आ जाए 3 नंबर के लिए। कोबरा के अलावा इसमें 2 सांप हैं जो हम पहली दफा लेकर आ रहे हैं। दोनों को मुंह में रख लेना। जब आप रखेंगी तो 1 मिनट का टाइम शुरू होगा और उसे के लिए ताली होनी चाहिए। आ जाए गो। नहीं कर सकती, हार मानो और किसी और को आने दो। कौन आना चाहता है जो कंटेस्टेंट वहां बैठे हैं? कैन अरुसा, तो आपने साबित कर दिया कि सब सही कहते हैं, डेरिंग वेरिंग नहीं हो, किस्मत में चलती सिर्फ। अब गेम में अगर आपको रहना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो बैठे हुए बेचारे हैं सारे, किसी ऐसे को बुलाना है जो 1 मिनट तक अपने मुंह में दोनों सांप नहीं रख सकता। सोच के अगर उसने कर लिया तो आप बाहर और वो यहाँ। मैं चलाकी कर रही थी वहाँ पे हाथ खड़ा करके कि मैं ये डेयर नहीं कर सकती, उरुसा मुझे बुला रहे, लेकिन उस जाहिल ने किसका नाम ले लिया? अल्ताफ। अल्ताफ, अल्ताफ ने कर लिया तो अल्ताफ फाइनल में और आप वहाँ वहाँ ऑडियंस में। यही अल्ताफ भाई को घेरना शुरू हो गई। प्लीज अभी डर मत करें, अभी डर मत करें। एक तो वो कपास की सुंडी सबसे बड़ी जाहिल और उससे बड़ी ये जाहिल। सिद्रा को बुला लेती, एलवी को बुला लेती। नहीं नहीं नहीं, उसने नसवार वाले को बुला लिया, जो अल्ताफ डॉट हैदर, जो कि पूरा सांप नहीं सांप वाले को भी कहा जाए। अल्ताफ का फाइनल में आने का चांस बन गया है। एंड गो। अल्ताफ कौन से नंबर पे जाएगा? जाए। अख्तर, आपके लिए कौन यहां से हिलाने आए? उजैर। आ जाए अल्ताफ, आप भी आ जाए, क्योंकि अल्ताफ आप इतने मजे लेकर आराम से आगे आ गए, इतने आराम से तो आप भी नहीं जाएंगे। करना ये आपने, जो भी चैलेंज आएगा, अगर अख्तर ने कर लिया, अख्तर आपकी जगह और अल्ताफ कहाँ होगा? अख्तर की जगह। अगर दोनों से नहीं हुआ तो दोनों अपनी अपनी जगह रहे। जी उजैर, हटाएं, क्या चीज है? ऐसा डेर हम लोग का आया कि मैं पागल हो गया कि क्या डेर है। क्या चीज है? फीडर, दूध है। बचपन में पिया होगा। जो पहले ये दूध खत्म कर लेगा, कैसे खत्म करना है? चूसनियों से। चूसनी से। ये टाइम 2 मिनट है। मैंने कहा घंटा करेगी एलवी, सिर्फ बैकआउट कर लेगी। वैसे तो बड़ी वर्कर बनती है, बहुत इंग्लिश मारती है। और डेयर के पास जाकर, भाई हम डेयर के पास जाते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कपाल की धुंडी चूहो के पास जाकर, मैं तो बोल रही हूँ नाक बंद करके इसकी बात सुनिएगा, ओ सॉरी कान बंद करके इसकी बात सुनिएगा। पॉटी नहीं करना बस। और आपका टाइम शुरू होता है 2 मिनट का अब। ले
इधर चूहे कपाल की सुंडी के मुंह में हलचल मचा रहे थे, उधर उरूसा कपाल की सुंडी की और हट रही थी। वो तो कहानी 3 सेकंड हो गए। हार माननी है तो पीछे हट जाओ। अब मजा आ रहा है आपको फाइनल में? एक मिनट हो चुका है। I'm already shivering. एक मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। हो गया, चले शाबाश, आ जाए उठाए। 4 नंबर पर आ जाए। सत्तर, आप वहीं देखेंगे और नौमान पाशा आपके लिए घुमाने आएंगे। हुर्रे, ये है बबलू स्टाइल। चार नंबर के लिए इनका चैलेंज लेकर आ जाए। ये है आपका 4 नंबर के लिए चैलेंज, यानी आप 6 नंबर पे आप डायरेक्ट 10 पे जाएंगे अगर आपने ये कर लिया। 10 नंबर पे जाने के लिए मुझे जो डेयर मिला उसमें जो काला कपड़ा हटा, आपको मैं कुछ चाबियां यहां रख दूंगा, आपको खोल के इसका ताला खोल ले। बंदर आया, बंदर का ताला खोलना मैंने बोला ये तो अख्तर के लिए बच्चों वाला चैलेंज है, मतलब अख्तर के अलावा कोई भी कर लेगा, बंदर का ताला खोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। नौमान बादशाह आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर चाहे तो। 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। बंदर का डेर हम बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन बंदर ने एक ऐसी हरकत की पूरा क्राउड से लग गया जाके। ये बंदर इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अरे मामा चाबी तो मैं लगा लेता, लेकिन सबसे खतरनाक डेर तो मेरे लिए बंदर पकड़ना था। बंदर साला आदमी आ ही नहीं रहा था। अख्तर भाई का हो गया डेर खत्म, क्योंकि अख्तर भाई से वो बंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वकार भाई ने एलवी को एक लालच दी। एलवी आपके पास मौका है कि आप अगर चाबी खोल लेंगी तो आप जिस नंबर से इन्होंने जहां तक पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगी। कहां पर पहुंच जाएंगी आप? 10 नंबर पे पहुंच जाएंगी। नहीं खोल सकी तो वहीं रहेंगी जहां है। ट्राई कर दें, मुंह पे निशान बढ़ गया, हमेशा का निशान है। एलवी आपका 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। गो। मैं अपनी टर्न करना चाहूंगी। हार मान रही है? हाँ। एलवी जाहिल, जब तुझे हार ही माननी थी तो फिर तू गई क्यों थी? फाइनल में आके जब कोई हार मानता है तो अच्छा नहीं लगता, क्यों भाई अच्छा लगता है? एलवी आपको क्या लगता है इनमें से कौन सबसे बेकार कंटेस्टेंट है? कमांड एंड ऑप्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। तो एलवी बोल सकती थी कि मैं नहीं बुलाती किसी को भाई, उसकी अपनी पावर है। जैसे अरुसा बेले वकास डैन में एक दफा प्रिंसेस का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था। वकार भाई ने जैसे एलवी को ऑप्शन दी कि तुम्हें किसी को बुलाना है तो हम सब लोग बोले नहीं बुलाना, किसी को भी नहीं बुलाना, बस तुम ही कर लो। एलवी को मैं चुपचाप कह रहा था नहीं बुलाना नहीं बुलाना नहीं बुलाना, लेकिन जाहिल ने बुला लिया। ओ जाहिल कपास की सुंडी, तू बुला क्यों रही है कंटेस्टेंट में से किसी को? याद नहीं है सुहेल भाई का हशर क्या हुआ था? फर्ज करो कंटेस्टेंट में से किसी को भी बुला दिया, अगर वो हार गया तो आपका क्या फायदा है, लेकिन अगर वो जीत गया तो आपका नुकसान है। आप वहाँ और वो यहाँ, कुछ समझ आया? नहीं आया ना? वकार भाई सबको घुमा देते हैं। अरुसा आपके पास मौका है, अगर आपने चाबी खोल ली ना इसकी तो एलवी बाहर, आप यहाँ। आपके 2 मिनट का अरुसा टाइम शुरू होता है अब। गो। डायरेक्ट फाइनल में आने का मौका। रस्सी छोड़ी कर अरुसा, पकड़ लो गर्दन से, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो।
भरोसा कर लेगी। बाल पीछे कर लो, बाल पीछे कर लो। सर पकड़ लो। 30 सेकंड हो चुके हैं। पेट से क्यों पकड़ा? सर से अरुषा चाबी खोलेगी। एलवी, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ जाएंगी। अरुषा के जीतने के बाद एलवी बोली, What happened? मैंने कहा, What happened? क्या? What happened? जो सुहेल, वही तुम्हारे साथ हुआ, What happened? अरुषा यहाँ आएंगी। चाबी जैसे खुली। जिंदगी की सबसे खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज़। आप चार पे हैं, आप एक पे हैं। ये तो बच्चों वाला सांप सीढ़ी का गेम हो रहा है और सांप भी नहीं है इसमें। सांप का है। अब होगा ये, अगर आपको आगे जाना है, 6 नंबर पे जाओगे, 2 आया 2 पर जाने के लिए मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। अगर वो चैलेंज कर लिया तो आप 6 पे आएंगे, अगर वो चैलेंज नहीं किया तो वहीं के वहीं रहेंगे। ये हुई ना बहुत मकार भाई। सबसे ज्यादा हालत टाइट हो गई अख्तर भाई की, और उनसे भी ज्यादा हालत टाइट हो गई वो कपास की तुंडी एलवी की। इसलिए हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उसको पता था अब हल्के 150 वकार भाई देने वाले नहीं है। और अब वकार भाई ने कहा कि अब अगर घुमाया और अंडा आया तो इस चरखी को फिर आप घुमाएंगे एक दफा, और जब फिर घुमाएंगे फिर आप पीछे जाएंगे, समझ गए? सांप हो गया ये, सीढ़ी हूँ मैं, और मैं हूँ बड़ी खतरनाक सीढ़ी। तो आप क्या 6 नंबर पे जाना चाहते? बिल्कुल। 15 तक जाना चाहता हूँ। 15 तक तो जाना चाहते हैं, पहले 6 तक तो पहुंच। फिर जो वकार भाई ने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई ना, मैं तो कानों को हाथ लगा रहा था कि शुक्र है अल्लाह मैं तो पहले ही बाहर हो गया हूँ, मेरी टांग मतलब इंजर हो गई है। 15 नंबर इनको इतने भारी पड़ेंगे, जो विकास डन में नहीं इनके साथ हुआ वो आज इनके साथ होने वाला। तो इनका 6 नंबर के लिए चैलेंज लेकर आ जाए। जैसे ही वकार भाई ने कपड़ा हटाया तो उसके बाद हमने बोला, जाओ यार अख्तर तुम ही ऐसा चैलेंज कर सकते हो, हमारे अंदर तो तपड़ी, ऑडियंस के अंदर बैठना काफी है, घर पे जाके देख लूंगा, ये नहीं कर सकता। इसको खोलेंगे इस तरह से और इसको 2 मिनट में खत्म करना है, मगज खाना है पूरा, और वॉमिटिंग जिस भी लम्हे हुई 14वें नंबर पे, और वॉमिटिंग हुई 1 नंबर पे। आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अख्तर, अब गो। कहीं भी टाइम चल रहा है, मुझसे नहीं पूछो।
एक मिनट में खा लिया, छह नंबर पे आ गया। अब से ये व्हील जो कंटेस्टेंट बैठे हैं वो आपके लिए हुआ है। फिर कपास की सुंडी की जिगरी दोस्त रूसा आई व्हील घुमाने। तीन नंबर पे जाएंगी तो कितने नंबर ऐड हो रहे हैं आपके नंबर में? फोर। चौथे नंबर के लिए इनका चैलेंज लेकर आ जाए। जहां हार माननी हो हार मानो, घर जाओ। ये डेर आया और वकार भाई ने स्टाइल से काला कपड़ा हटाया, लोग चीखो पुकार शाउटिंग ये वो, उसने सफेद चूहे करना ये आपको। मेरा चैलेंज ये था कि मुझे हैमस्टर केज से निकाल के मुंह में रखना है, इसमें डालना है, और आपको ये करने के। क्या आप लोग वाकई इस सीट पे बैठना चाहते हैं? बिल्कुल, सोच समझ के। आपको लगता है कि आपको मैं ऐसे ही जाने दूंगा यहां से? अब है आपके लिए आपकी ब्रेकिंग न्यूज। ये क्या भाई, वकार भाई बोल रहे थे अभी शो खत्म नहीं हुआ, लगता है मैं बहुत ज्यादा पसंद आ गया हूँ वकार भाई को, मुझे घर भी लेकर जाएंगे, घर भी लेकर जाएंगे। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का हमेशा एक विनर होता है। पास बेटी भी एलवी, मैंने वकार भाई को हाथ जोड़ के कहा नहीं वकार भाई मैंने इससे नहीं लड़ना। तो देखते हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज का अल्टीमेट विनर कौन बनता है, फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल कौन लेके जाता है। मेरा मुकाबला अख्तर के साथ होने लगा है। आई वाज अ बिट स्केयर्ड कि मैं अख्तर को कैसे हरा सकूंगी। इनके डेयर का पहला हिस्सा लेकर आ जाए। वकार भाई ने क्रू मेंबर को आवाज दी कि भाई इनका डेयर का पहला हिस्सा ला के रख दो। पहला हिस्सा आया, देखा तो एक चरखी थी। एक दो तीन चार पांच और एक हिस्सा बिल्कुल लाल। समझ नहीं आ रहा यार ये। एक दो तीन चार पांच और एक हिस्सा बिल्कुल लाल। समझ नहीं आ रहा यार ये क्या। इतने डेयर्स करके आए हैं तो मैंने सोचा एक ऐसा चैलेंज होना चाहिए जो इससे पहले दुनिया के किसी रियलिटी शो में ना हुआ हो, और एक ऐसा चैलेंज हो जो दोनों के लिए बराबर, और उसके साथ साथ कुदरत ये डिसाइड कर दे विनर कौन है। इनके डेयर का दूसरा हिस्सा लेकर आ जाए। पहले आप में से एक कंटेस्टेंट आएगा, उसको यूं घुमाएगा, जो नंबर आएगा वहां जाके वहां जाके खड़ा हो जाएगा, जो पहले 15वें नंबर तक पहुंच जाएगा खत्म गेम, कुदरत जिसको चाहेगी वो जीतेगा। इतना खतरनाक शो, सांप हड्डियां टूट जाती है, लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, मम्मा ये वो ये, और इस शो का एंड लिड्डू पे खत्म होगा। तो मैं बैठूंगा आराम से यहाँ और गेम को शुरू करते हैं। किसका कुदरत साथ देने वाली आज? लूडो का इतना बच्चे वाला गेम वकार भाई आपने रख दिया, क्या कपास की तुंडी एलवी को जिताने का मूड है आपका? मैंने बोला तोबा तोबा तोबा, अगर इसने टाइटल जीत दिया। अब पहले कौन आएगा? फिर वकार ने कहा सबसे पहले करेगा कौन, चरखी घुमाएगा कौन। जिस तरह मैं हाथ खड़ा करने लगा एलवी ने कहा आई विल डू इट मैं करूंगी ये वकार भाई। आइए एलवी, मेरी जो सारी थिंकिंग और मेरे दोस्तों की जो थिंकिंग थी उनके वहां से क्राउड से जो आवाज आ रही थी मुझे कि अख्तर तू गया, वकार एलवी के साथ मिला हुआ है और उसे डेफिनेटली जिताना चाहता है। घुमाए लेकिन कपास की सुंडी की किस्मत अंडा अंडा वापस आए आए भाई अख्तर। ओहो इतने प्यार से एक पे जाके खड़े हो जाए, घुमाए। हम सब लड़के दुआएं कर रही थी, मैं और उसे दुआएं कर रही थी अलमेर का अंडा आ जाए, अलमेर का अंडा आ जाए। अंडा 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 फिर भी अंडा। मेरा नंबर आया तीन और अब मैं जाऊंगा चार पे। चार नंबर तक पहुंच गए आपकी बेवकूफी की वजह से। फिर अंडा फिर अंडा फिर अंडा।
आ जाए, खड़े हो जाए, घुमाए। कितने नंबर आए? दो। आप किस पे जाएंगे? सिक्स पे। सिक्स पे जाएंगे? ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दी मैंने अभी तक? अब है आपके लिए आपकी